सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री सहायता संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक पंचरुखी में रिटायर्ड डीआईजी विवेक शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पैरामिलिट्री के जवानों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि पैरामिलिट्री के जवान हर वक्त देश की रक्षा, सुरक्षा व अखंडता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और समय आने पर अपनी जान तक देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं, पर वह सम्मान उन्हें नहीं मिलता जिसके वह हकदार हैं। उन्होंने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को 2004 के बाद पेंशन सुविधा से भी वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर अपनी आवाज़ को सरकार के सामने रखना होगा और अपनी पहचान को मजबूत करना होगा। इस मौके पर मनवीर कटोच, सीएस खरवाल, रूपलाल लखनपाल, केएल मनकोटिया, डीआर शर्मा मुख्य रूप से बैठक में मौजूद रहे। पेश है पीआर न्यूज़ सहयोगी ब्रिज धीमान की रिपोर्ट। सब सीएपीएफ के सदस्य यहां पर एकत्रित हैं और विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। और एक जगह पर आने का हमारा मुख्य कारण ये है कि हम जो अपनी जेन्यून बातें हैं वो सरकार के समक्ष रख सकें, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो इस इलाके और इस प्रदेश में आ रहा है वो हमारी CGHS फैसिलिटी को लेकर आ रहा है कि सेंटर की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इलाके, इस इलाके में किसी भी तरीके से लोगों तक और हमारे जो CPMF के जो लोग हैं जो कि वृद्धावस्था अवस्था में हैं इस समय, उन तक नहीं पहुंच पा रही। हिमाचल में केवल एक ही डिस्पेंसरी CGHS की गवर्नमेंट ने बनाई है, वो भी शिमला में बनाई है जो कि यहाँ से बहुत दूर है, जिसमें आने जाने में भी एक दिन दो दिन लग जाते हैं, उसमें किराया खर्च होता है, रहने सहने की वहाँ व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा उस CGHS के लिए भी जो कार्ड बनता है वो हमारे जो साथी हैं उनको चंडीगढ़ में जाकर बनवाना पड़ता है, और चंडीगढ़ में अगर वो अधिकारी उपलब्ध ना हो तो एक छोटे रैंक का आदमी जिसके पास इतना पैसा नहीं है, जो बीमार अवस्था में है, वो कहाँ चंडीगढ़ जाएगा, कार्ड बनवाएगा, फिर शिमला आएगा, दवाई लिखवाएगा, फिर दवाई की इंडेंट होगी, तीसरे दिन दवाई मिलेगी, वापिस आएगा, अपने घर में आएगा, तो वो तो आधा वैसे ही मर जाएगा। तो उसका इस जो व्यवस्था अभी तक CGHS की यहाँ पर हिमाचल में है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हमारा सरकार से कहना है कि इस व्यवस्था को वो प्रदेश के दूसरे अन्य हॉस्पिटलों से लागू करवाए और वहाँ अपना बुक ट्रांसफर करके वो जो अपना पैसा है वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों को दे और स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो साथी हैं CPMF के साथी हैं जो इस समय वृद्धावस्था में हैं उनका इलाज किया जाए। दूसरा, कैंटीन फैसिलिटीज, जब भी GST जब से लगी है हमारी कैंटीन फैसिलिटीज बिल्कुल बंद हो गई हैं। हमको सरकार ने GST में कोई राहत नहीं दी है, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो अपनी GST में राहत लेकर डिफेंस की कैंटीनों को टोटल राहत देकर उसका फायदा उनको एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन CPMF के सदस्यों को एक भी फायदा GST की वजह से नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी कैंटीन होना ना होना बराबर हो गई। हम जब तक GST काउंसिल इसका फैसला ना ले ले, हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि वो कम से कम स्टेट GST और IGST उसको हटाकर जितना भी फायदा हमारे CPMF के साथियों को दे सकते हैं उसको दें। दूसरा, अर्धसैनिक बोर्ड, हमारे अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड जो है हमारे इस प्रदेश में नहीं है, जिससे कि कोई भी हमारा CPMF का साथी, बेशक वो ITBP का हो, SSB का हो, CISF का हो, BSF का हो, CRPF का हो, उसको कभी भी कोई काम अपना पेंशन हेतु या किसी भी काम को करवाना पड़ता है तो उसको दिल्ली जाकर उसके हेडक्वार्टर के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, जो कि रिटायर अवस्था में उनके लिए सक्षम नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वार्ब का पुनर्गठन किया जाए, स्ट्रांग वार्ब बनाई जाए और जगह जगह पर अर्धसैनिक बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में बनाए जाए, जिससे कि वहाँ का जो सैनिक है वो उस अर्धसैनिक बोर्ड के पास आए और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो उनका निवारण वहाँ पर करा ले। दूसरी बात, सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण स्कीमें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि उन्होंने लोगों के लिए कल्याणकारी स्कीमें बनाई हैं, लेकिन वो जो स्कीमें हैं हम सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है कि उसको कहां से लाए, किसके पास जाकर बात करें, कहां से ले, और वो व्यवस्था ना होने की वजह से वो सारी स्कीमें धरी की धरी रह गई हैं और उनका कोई हमारे लिए जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं है।
फैमिली आइडेंटिटी कार्ड तक भी हमारे साथियों को नहीं मिला है। कोई भी अर्धसैनिक सदस्य है उसको फैमिली आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। नौकरी में रहते आइडेंटिटी कार्ड थे लेकिन रिटायर होने के बाद उनको फैमिली का आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है। सरकार सारी फैसिलिटीज फैमिली के साथ देती है लेकिन उस फैमिली को प्रूव करना उनका किसी एयरपोर्ट किसी रेलवे स्टेशन या किसी भी दफ्तर में जाकर मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं दे पाते और वो अपनी सारी पेंशन बुक तो हर जगह ले जा नहीं सकते। तो इसलिए फैमिली आइडेंटिटी कार्ड भी जो है वो भी हमारे साथियों को मुहैया कराया जाना चाहिए। और 2004 की पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा है। फोर्सेज में डिसिप्लिन की इनडिसिप्लिन की मात्रा भी बढ़ रही है क्योंकि एक प्रकार से हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस करने लग गया है 2004 के बाद। उसको पता नहीं है कि मेरा क्या होगा क्योंकि पेंशन उसको मिलती नहीं। जब तक ये पेंशन नहीं मिलती और ड्यूटियां एक जैसी हैं आर्मी के साथ, वही आदमी शहीद हो रहा है हमारा सीपीएमएफ का और वही आर्मी का शहीद हो रहा है। एक के साथ पहले दर्जे का ट्रीटमेंट, दूसरे के साथ दूसरे दर्जे का ट्रीटमेंट, इस वजह से इनडिसिप्लिन की भावना और दूसरा 2004 के बाद पेंशन बंद कर देना और दूसरे सिविल लोगों के साथ उनको जोड़ देना, उससे भी एक जो भावना है आपस में पनप रही है जिससे कि निश्चित है कि आने वाले समय में ये हमारे देश के लिए प्रदेश के लिए अच्छी स्थिति नहीं होने वाली है। तो हमारा ये हाथ जोड़कर जो हमारे पॉलिटिकल संरक्षक हैं उनसे अनुरोध है कि कम से कम इसको रिकंसीडर करें। पंजाब गवर्नमेंट ने सुना है कि एक समिति बनाई है जो कि इसके ऊपर विचार कर रही है, तो हमारा प्रदेश सरकार के थ्रू केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वो इस पेंशन बहाली की तरफ जरूर कदम उठाए जो कि एक सामाजिक के साथ साथ डिसिप्लिन के काम में भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक पेंशन नहीं होगी, सरकार हर क्षेत्र में हर ग्रामीण को हर आदमी को पेंशन दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, हर तरीके से पेंशन स्कीमें लागू कर रही है, लेकिन हमारे सैनिकों को जिन्होंने देश की अखंडता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, हमेशा शरीर के खून की तरह बहते हैं, कभी असम से बंगाल, बंगाल से केरला, केरला से हिमाचल, हिमाचल से जेएंडके, जब जहां सरकार उनकी जरूरत समझती है उनको ले जाती है, तो इतना काम करने वालों को भी आप पेंशन से वंचित रखते हैं, इसका संदेश हमारे नौजवानों के ऊपर अच्छा नहीं जा रहा है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने साथियों के साथ अनुरोध करूंगा कि वो सब एकत्रित हों, एक मंच पर आएं और अपनी जेन्यून डिमांड्स को सरकार के समक्ष रखें ताकि सरकार उसका कोई ठीक प्रकार से निराधार उसका फैसला निराकरण उसका कर सके जिससे कि हमारे सैनिकों को, हमारे अर्धसैनिकों को और जो हमारे जो सैनिक इस वृद्धावस्था में अपने अपने इलाके में बैठे हैं जिनको कोई भूल पूछने वाला नहीं है, हमारे मार्टियर्स, हमको यही पता नहीं है कि हमारे स्टेट में कितने मार्टियर हैं, उनकी फैमिलीज के क्या हाल हैं, उनकी भी जो है रख रखाव और देखभाल की जिम्मेवारी हमारी इस अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के थ्रू हमारी सरकार करे।